चतुर्थी के दिन कि शंकर भगवान, भगवान भूत बामन भूतेश्वर, जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते। 33 कोटि देवता, भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं, किसका दर्शन। स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगनी लक्ष्मी भी महाराज ब्रह्मा आदि कादिक देवता सब खड़े और भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाम आंवला नवमी का आप लोग साधना करते होंगे, जब कार्तिक के महीने में आंवला नवमी का व्रत आता है तो जो उपास नहीं भी रखते हो, जो पूजन नहीं भी करते हो, उनसे मेरा निवेदन है कि स्कंद पुराण में कार्तिकेय के पावन चरित्र में स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया, और कल्याण का कार्तिक खंड पढ़िएगा कभी योग लगे तो, गीता प्रेस गोरखपुर का कार्तिक खंड आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्यान्ह से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है जो घी का दिया लगाकर पूजन कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपने अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में अलमारी में रख लेता है, उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन वैभव सत्ता बढ़ती है, बढ़ती है। आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है, आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है, व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना, ये आंवला नवमी की पूजन का विधान है। संपदा एक बहुत अच्छा समय, रात्रि के 9:15 का एक समय होता है, जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूटी नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए, उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। एक दिन, दो दिन, तीन दिन करोगे वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो। आंवले के वृक्ष के नीचे स्कंद पुराण में भी है, कार्तिक महीने में आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है,
इसलिए आंवला नवमी पर लोग आंवले के पेड़ की पूजन करने जाते हैं, तो वहाँ गोट भी करते हैं। लोग टिफिन लेके जाते थे, भोजन करते थे आंवला नवमी पर। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने पर संपदा बढ़ती। आंवला नवमी का दिन कार्तिक में पड़ती आंवला, ठीक है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, माँ तो कृपा कर, माँ कहती इसने एक भी दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, तुम्हें कैसे दान? दान का फल दान। कैसे दू मां? पूर्व में मान लो उसने जितने जन्म लिए, उस जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया, तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया। लक्ष्मी जी बोलती है, जो अभी तरेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, माँ मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूं, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का, जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए, बस इतनी कृपा कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द देखिए। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, दान करा उसका फल बाद में। पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है, उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस पाह शरीर में मिलना चाहिए। आंवला नवमी को गुरु जी के द्वारा बताए गए इन उपायों को अवश्य करें। जय श्री महाकाल। महाकाल आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें।